सच्चा है मल्हार सरकार का डर। देवी अहिल्या और माले राव के बीच वही दीवार खड़ी है जो खंडे राव और मल्हार सरकार के बीच में थी, जिसको तोड़ने में मल्हार सरकार को काफी वक्त लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। बातों ही बातों में मल्हार सरकार के मन में वो बात आ गई जिसको लेके वो डर रहे थे कब से, क्योंकि मल्हार सरकार ने भी देखा है माले राव का रवैया देवी अहिल्या के प्रति, और ये रवैया उनको वही यादें दिलाता है जो उनकी और खंडे राव की थी। इसलिए उनके मन में ये बात आई कि कहीं जो खाई मेरे और खंडे राव के बीच में थी वो देवी अहिल्या और माले राव के बीच में ना हो जाए। इसीलिए वो चाहते थे कि देवी अहिल्या वाड़े में वापिस चली जाए, मगर देवी अहिल्या को इस बात का डर नहीं है। उनको माले राव और प्रजा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, उनको दोनों ही अपनी संतानें लगती हैं। यही मल्हार सरकार को भी लगता था। तो मल्हार सरकार का डर तो सच्चा है दोस्तों, मगर ये डर कहां तक सच्चा है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों मल्हार सरकार देवी अहिल्या को जब जोर दे के बोलते हैं कि तुम वाड़े में वापिस चली जाओ, और फिर ये कारण भी बताते हैं कि माले राव की विवाह की बात चल रही है, प्रस्ताव रखा गया है और जल्दी ही माले राव को देखने के लिए मैना और उनके आई बाबा आने वाले हैं। ये बात सुन के देवी अहिल्या तो खुश होती है, मगर साथ में वो कहती है कि आपने जो मुझे मुहिम सौंपी है उसको आधा अधूरा छोड़ के तो नहीं जाऊंगी बाबा साहिब, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मेरे माले राव के लिए मैं हमेशा ही अवेलेबल हूं, मगर अपनी प्रजा के लिए भी हूं। ये सब जब मल्हार सरकार सुनते हैं तो उनको अपनी ही याद आती है, क्योंकि ऐसी ही बातें वो भी करते थे, मगर बाद में जब खंडे राव के सामने होते थे तो खंडे राव उनको बाबा साहिब की तरह जिस तरह ट्रीट करना चाहिए वैसे नहीं करते थे, उनको सरकार ही कहते थे, और बार बार ये कहते थे कि मेरे बाबा साहिब के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है जो माले राव कहता है। मगर खंडे राव फिर भी समझदार थे, माले राव तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मल्हार सरकार को चिंता है कि ये खाई जो देख पा रहे हैं वो ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अगर देवी अहिल्या इसी तरह मुहिम पे मुहिम करती गई मेरी तरह, तो मेरी तरह ही वो अपने बेटे से दूर हो जाएंगी। और ये डर सच्चा है दोस्तों, और ऐसा आगे होगा भी, क्योंकि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसमें यही था, क्योंकि माले राव ने देवी अहिल्या की कोई भी बात नहीं मानी थी और बहुत दुर्दशा हुई थी माले राव की, क्योंकि जब उन्होंने आई को बार बार इंसल्ट करना शुरू किया, उनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी और प्रजा के साथ भी उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो खुद देवी अहिल्या को उनके प्रति बहुत कुछ करना पड़ा, उनको सजा सुनानी पड़ी और पता नहीं क्या क्या आगे हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो मल्हार सरकार का डर है दोस्तों, ये काफी हद तक सच्चा डर है, क्योंकि वो खाई जो मल्हार सरकार और खंडे राव के बीच में थी वो तो भर गई। अंत समय में दोनों जो है इस तरह से आपस में क्लोज थे जैसे पहले कभी भी नहीं थे। मल्हार सरकार ने खंडे राव को जिस तरह अंत में देखा एक राजा की तरह, और उसको उस काबिल समझा जो पहले कभी नहीं देखा था खंडे राव ने अपने बाबा साहिब की आंखों में, कि मुझे किसी काबिल भी समझते हैं मल्हार सरकार, वो काबिलियत खंडे राव को महसूस कराई कि यस तुम हो मेरे बेटे जो अब राजा बनने के लिए तैयार हो। तो अंतिम क्षणों में अगर कहा जाए तो दोनों बाप बेटा में वो खाई भर चुकी थी, मगर यहां पे जो खाई दिख रही है मल्हार सरकार को वो भरती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, बल्कि और गहरी होती दिख रही है। तो ये डर बिल्कुल सच्चा है मल्हार सरकार का। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.